मैं दिलप्रीत सेठी सुरागी लाल न्यूज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि काशीपुर की जनता हमसे प्रश्न कर रही है कि क्या एम्स काशीपुर में स्थापित होगा या नहीं। इसको लेकर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात की, उनसे राय जानी और उनके द्वारा जो प्रयास किए गए उसके बारे में जाना। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। हेलो, माननीय विधायक हरभजन सिंह चीमा जी, काशीपुर विधायक बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार जी, मैं दिलप्रीत सेठी बोल रहा हूँ सुरागी लाल न्यूज चैनल से। नमस्कार जी, नमस्कार। आज का हमारा एक प्रश्न है आपसे कि एम्स को काशीपुर लाने के लिए आपकी क्या राय है और इसमें आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं? एम्स को काशीपुर में अवश्य लाना चाहिए। मेरे द्वारा दो या तीन बार शासन में भी और केंद्र में भी, प्रदेश में भी इसके लिए लिख करके भेजा गया है, मेरे मांग रखी गई है। और एक बार तो वहां से गवर्नमेंट की तरफ से आया था कि इसके ऊपर विचार भी हो रहा है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर फाइनल डिसीजन सरकार नहीं दिया। मैं पुनः अपने इस मांग को, अपनी मांग को रिमाइंड करूंगा और रिमाइंड करके पूरा प्रयास होगा कि यहाँ पर आनी चाहिए, क्योंकि दूर दूर तक यहाँ पर ऐसा हॉस्पिटल भी नहीं है कोई भी, जिससे आम आदमी जो कुमायूं का मखौटा है रामनगर और उसके बाद काशीपुर, काशीपुर के बाद आके दूर तक रामपुर और मुरादाबाद तक का क्षेत्र जो है वो काशीपुर से कनेक्टेड है, इसलिए काशीपुर में एम्स की स्थापना होना अति आवश्यक है। मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हेलो हेलो हेलो, माननीय उषा चौधरी जी, मेयर काशीपुर बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं उषा चौधरी बोल रही हूँ। जी प्रणाम, मैं दिलप्रीत सेठी बोल रहा हूँ सुरागी लाल न्यूज चैनल से। हाँ जी, हाँ जी। आज काशीपुर के जनता का एक प्रश्न है कि एम्स को काशीपुर में स्थापित किया जाए और इसके लिए आप लोगों के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं और आपकी क्या राय है इसमें, ये जनता जानना चाह रही है काशीपुर की। कि मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी कुछ समय पूर्व हमारे माननीय पार्षद, माननीय हमारे सांसद जी अजय भट्ट जी यहाँ पर आए थे हॉस्पिटल में कोविड के समय, तब उस टाइम भी हमने एक पत्र, मैंने मेरे माध्यम से जनता के बहुत आग्रह पर और मेरा स्वयं के आग्रह पर उनको दिया गया था और इसी बात का आग्रह किया गया था कि क्योंकि हमारे यहाँ मैदानी क्षेत्र तो है ही, इसके साथ जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर यदि एम्स खुलता है तो ये हमारा एक मध्य में क्योंकि रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल की भी कोई ऐसा कॉलेज नहीं है या मैं कोई बहुत बड़ा मेडिकल की फैसिलिटीज भी नहीं है। यदि यहाँ पर एम्स आता है तो उससे हमारी दोनों ही पहाड़ और मैदानी दोनों ही जनता को बहुत लाभान्वित होगी और इसके लिए उनसे लिखित रूप में भी उनको दिया गया था। मैं इसके बाद भी उनसे मेरी एक बार वार्ता हुई, फोन पर वार्ता हुई थी और एक पत्र भी उनके द्वारा मुझे प्राप्त हुआ था। मैं क्योंकि आज बाहर हूँ, मैं आने पर आपको उस पत्र को भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। हाँ जी, हाँ। बस हम यही चाहते हैं कि हम काशीपुर के जितने भी हम लोग हैं सब लोग मिलकर एक बार पुनः अपने माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से इसका आग्रह करें कि यहाँ पर यदि एम्स हमारे होगा और हमारे पास स्थान भी है, स्थान होते हुए तो निश्चित ही पहाड़ और हमारे जो मैदानी क्षेत्र की जनता है उनको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और जहाँ आसपास में कहीं कोई मेडिकल की फैसिलिटीज नहीं है, कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं है, उससे हमारी संपूर्ण क्षेत्र की जनता लाभान्वित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम मेहरोत्रा जी प्रणाम। प्रणाम। मैं दिलप्रीत सेठी बोल रहा हूँ सुरागी लाल न्यूज से, चैनल से। जी बताइए साहब। मैं एक जानना चाह रहा था कि एम्स काशीपुर में लाने के लिए, क्योंकि ये जन भावना है हमारे काशीपुर रामनगर जो हमारा तराई और पर्वती क्षेत्र का मिक्सण है,
यहाँ की बहुत ज्यादा जनता एम्स लाने के लिए बहुत उत्सुक है, क्योंकि वो यहाँ पे लाभान्वित नहीं हो पाएगी अगर दूर जाता है एम्स, और यहाँ की ही मांग थी एम्स को लेकर। तो इसमें आपकी क्या राय है और इसमें आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए या आप क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि हमने पूर्व में भी एम्स की डिमांड काशीपुर में रखी थी, और अभी जब सीएम साहब आए थे तब भी वो काशीपुर दे दीजिए, हमारे पास जमीन भी है और एम्स जो है वो काशीपुर में सबसे ज्यादा सुटेबल इसलिए भी रहेगा कि कुमाऊं और गढ़वाल का द्वार जो है वो एक तरीके से रामनगर है, और रामनगर से जो स्कॉट फार्म है जहां पर हम चाह रहे थे वो पास पड़ता है। तो हम दिल से चाहते हैं कि एम्स जो है वो काशीपुर में आए, और इसके लिए मैंने सीएम साहब से बात भी की थी और मैंने एक पत्र भी लिखा है कि वो यहाँ पर एम्स क्या नाम है हमें काशीपुर में देने की के लिए जो है वो प्रयास करें और हमें काशीपुर में एम्स दें। और काशीपुर की आवश्यकता भी है, क्योंकि देखिए रुद्रपुर के पास पास में रुद्रपुर है किच्छा के, रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज है और ईएसआई का हॉस्पिटल है, बहुत सारी चीजें रुद्रपुर में हैं, और किच्छा और रुद्रपुर की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है। तो मेरा अपनी सरकार से भी निवेदन था कि हम जो है अगर एम्स हमें काशीपुर में मिलेगा तो पहाड़ की जनता जो है वो ज्यादा लाभान्वित होगी इससे, और हम ये दिल से चाहते हैं कि एम्स काशीपुर में आना चाहिए। इसके साथ साथ हमने और भी बहुत सारी चीजों की डिमांड उनके सामने रखी है, क्योंकि हमारे पास काशीपुर में सरकारी भूमि बहुत सारी है, अवेलेबल है, चाहे वो नेपाली 800 एकड़ जमीन हो या इधर 350 एकड़ जमीन एस्कॉट फार्म में है। हाँ जी हाँ जी, तो ये हमें मिलना चाहिए, हम इसके लिए प्रयासरत भी हैं और हमारी पार्टी लेवल पे भी बातचीत चल रही है और अपने हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और काशीपुर के नागरिक भी चाहते हैं कि जो है ये आए तो हम जनता के साथ हैं और जनता के लिए हैं, तो ये प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका जो प्रयास है वो जल्दी सफल हो, और इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका प्रयास जारी रहेगा तो हम ये मान सकते हैं कि काशीपुर में एम्स की स्थापना जल्दी हो जाएगी। बिल्कुल साहब बिल्कुल, हम एम्स के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि एम्स जो है वो काशीपुर में मिलना भी चाहिए और ऐसा हमारा प्रयास है। ठीक ठीक है राम जी, धन्यवाद। माननीय बलराज पासी जी बात कर रहे हैं, पूर्व सांसद नैनीताल लोकसभा। जी जी नमस्कार जी, मैं दिलप्रीत सेठी बात कर रहा हूँ सुरागी लाल न्यूज चैनल से। हाँ जी हाँ जी, बताइए। आज जनता की एक काशीपुर की एक प्रमुख समस्या है जो जनता हमसे मांग कर रही है कि हम आपके समक्ष वो लेके आए बात। जनता ये जानना चाह रही है कि एम्स काशीपुर लाने के लिए आप लोगों द्वारा क्या प्रयास किए गए और आप क्या प्रयास कर रहे हैं और इसमें आपकी क्या राय है? मैं समय एम्स की चर्चा हुई थी उस समय के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी से मिला था। हाँ जी, और मैंने उनको पत्र देकर उस समय ही कहा था कि अगर एम्स उत्तराखंड में आता है दूसरा और कुमायूं में आता है तो काशीपुर में सिडकुल की हमारे पास जमीन उपलब्ध है 250 एकड़, और वह स्थान इसके लिए पर्याप्त रहेगा। और उस समय मैंने उस पर उनसे कार्रवाई करने का आग्रह किया था और उस समय कुछ कार्रवाई हुई भी थी, और मेरा प्रयास है कि निश्चित रूप से काशीपुर में ही एम्स आना चाहिए, इसके लिए मैं आगे सतत प्रयास करूंगा, और कुछ और भी अगर बड़ी चीज आ सकती होगी तो उसके लिए भी जो है मैं प्रयास करूंगा कि वो काशीपुर में आए। हाँ जी, क्योंकि ये जो काशीपुर जहाँ पे आप जो जिस लैंड की आप बात कर रहे हैं स्पोर्ट फार्म की, क्योंकि वो पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र के बिल्कुल मध्य में है, और ऐसा लगता है कि जितना भी क्षेत्र लगभग 5 लाख जनता जो कि मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र में रहती है, लगभग 10 लाख जनता इससे लाभान्वित होगी। तो आप लोगों का इसमें क्या सभी मतलब भाजपा नेताओं का जो आप लोगों का काशीपुर के लोगों का जितने भी आप लोग नेता हैं, क्या आप लोगों का इसमें क्या विचार है कि इसमें आप मुख्यमंत्री से मिलेंगे? नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि ये कुमायूं और गढ़वाल का एक तरीके से सेंटर है और मैदान का भी सेंटर है, और उत्तर प्रदेश का भी बहुत बड़ा हिस्सा इसके साथ लगता है, और इस पर जो है
एम्स या उससे बड़ा कोई इंस्टीट्यूट जो है वो आना चाहिए ताकि क्षेत्र के लोगों को जो है लाभ मिल सके। और इसके लिए मैंने पहले भी प्रयास किया और अभी मैं प्रयास करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया जी। नमस्कार जी, गुरविंदर सिंह चंडोक, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बात कर रहे हैं। हाँ जी जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मैं दिलप्रीत सेठी बोल रहा हूँ, सुराजी लाल न्यूज चैनल से। जी 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 जी, नमस्कार साहब। नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए भाई साहब। हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि एम्स को लेकर, उसकी स्थापना काशीपुर में लेकर आपकी क्या भावना है और आपकी क्या राय है और आपके द्वारा इसमें क्या प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ, सबसे पहले तो देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी जो है वो अंतिम छोर पर के लिए हर तरह से प्रतिबद्ध है, चाहे वो राशन है चाहे कुछ है। और इसी तरह एम्स के लिए, एम्स के लिए जो हमारे क्षेत्र में स्थापित होना चाहिए ऐसे, इसके लिए हमने हमारे नेतागण भी और हम स्वयं भी संगठनात्मक दृष्टि से हम ऊपर ये कह चुके हैं और कह भी रहे हैं, और कि काशीपुर में अगर ये एम्स आता है तो सबसे बड़ा लाभ यहाँ पर, क्योंकि कुमायूं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, अगर इसको हम काशीपुर में लाते हैं ये तो निश्चित हो रहा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में एम्स आ रहा है, हमारे जिले में एम्स आ रहा है। लेकिन मेरा मतलब, अगर काशीपुर में इस एम्स को लाते हैं तो आप ये समझिए, इन्होंने कोरोना में देखा बहुत सारे मरीज जो थे चौखुटिया और अल्मोड़ा तक के मरीज जो है इस रास्ते काशीपुर आए। तो मेरा एक कहना यह है कि यहाँ बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र भी है जो कि उत्तर प्रदेश से भी लगता हुआ यहाँ काशीपुर में है। तो मेरा एक स्पष्ट मानना है कि यहाँ अगर एम्स आता है तो मेरी 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 राय है कि काशीपुर में भले ही मेडिकल हब हो लेकिन वो प्राइवेट है, लेकिन ये एक ऐसा सरकारी विशेषज्ञों से बिल्कुल, क्योंकि एम्स में विशेषज्ञ डॉक्टरों की ही नियुक्ति होती है, ज्यादातर उसमें विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं। और अगर काशीपुर से मैंने ये भी देखा है कि जो मरीजों को अगर हम कहीं रेफर करते हैं तो वो हल्द्वानी, तो यहाँ से 80-50 किलोमीटर हल्द्वानी है, तो अगर वो कहीं और लगा, अगर हम देते हैं डिस्ट्रिक्ट में, जिले में कहीं और इसे एम्स को अगर हम सोचते हैं लगता है जाता है, तो वहाँ के जो हमारे जो पेशेंट्स हैं वो वहाँ हल्द्वानी भी जा सकते हैं। जैसे रुद्रपुर से हल्द्वानी की दूरी शहर बहुत कम है काशीपुर के मुकाबले, तो रुद्रपुर से अगर इधर का जितना भी पेशेंट है वो सब काशीपुर आने के लिए मात्र उसको 20-30 किलोमीटर के बीच में आना होगा। ऐसे ही पहाड़ में रामनगर से ऊपर तक का भी व्यक्ति को 40-50 किलोमीटर तक का उन्हें आना होगा। तो मेरा मतलब है, यहाँ अगर एम्स स्थापित होता है, ये पुख्ता तौर पर, ये निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ उसका लाभ बहुत ही अधिक लोगों को, इसकी जो लाभ प्राप्त हो सकता है अगर वो यहाँ स्थापित होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।